बिना आदेश के जमीन का बंटवारा करने पहुंचे दरोगा ने दिखाया रिवॉल्वर। बहराइच जिले के कोतवाली मुर्तिहा के भीवरा बीरघाट गांव में सोमवार को दरोगा जमीन का निपटारा करने पहुंचे थे। दरोगा ने पीड़ित को धमकाने के लिए रिवॉल्वर को दिखाते हुए धमकाया। पीड़ित ने एसपी को फोन कर मामले से अवगत कराया। एसपी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी है। कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र के भीवरा बीरघाट निवासी रजनीकांत का अपने पड़ोसी से जमीन का विवाद चल रहा है। जमीन विवाद का मामला जनपद न्यायालय में भी चल रहा है। इसके बावजूद सोमवार को विपक्षी की सह पर कोतवाली के दरोगा राजेश दुबे पुलिस के साथ पहुंच गए। बिना कोर्ट के आदेश के वह जमीन का बंटवारा करते हुए विपक्षी को रास्ता देने लगे। इसका ग्रामीण रजनीकांत और अन्य ने विरोध किया। इससे नाराज दरोगा ने पीड़ित को रिवॉल्वर दिखाते हुए धमकी दी। दरोगा के ज्यादती का लोगों ने वीडियो बना लिया। साथ ही पीड़ित ने एसपी केशव चौधरी को फोन कर घटना से अवगत कराया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा डॉक्टर जंग बहादुर यादव को जाँच सौंपी है। एसपी ने बताया कि जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पहले भी रहे विवादों में कोतवाली के दरोगा राजेश दुबे की तैनाती इससे पूर्व कोतवाली नगर के बशीरगंज चौकी में थी। दरोगा यहां भी विवादों में रहे हैं। इसके बाद मुर्तिहा पहुंचने पर विवाद शुरू कर दिया है। मुर्तिहा बताइए क्या समस्या है। सर मेरी ये समस्या है कि हम लोग आए दिन यहां पे एक जमीन का लफड़ा चल रहा है, वो जी कोर्ट से है और यहाँ थाने से हम लोग को इतना परेशान कर रहे हैं। सर आज ही आए आप हमारे दरवाजे पे आए और बोले, हम लोग बाहर निकले तो बोले कि इनका रास्ता क्यों बंद किया हो, तो हम लोगों ने बोला कि सर रास्ता किसी का तो बंद नहीं है, कि यहाँ जो आगे है वो कोर्ट से चल रहा है। तो बोले कि कागज दिखाइए, तो हम लोग कागज लेकर गए दिखाने के लिए, तो वो बोलने लगे कि तुम ही लोग कानून बहुत जानते हो, कि मेरे हस्बैंड को बोलने लगे कि तुम ही कानून ज्यादा जानते हो, कि इनका रास्ता बंद किए हो, ऊपर से इनका उनको दबाव दे रहे हो, बोल रहे हो ज्यादा कानून जानते हो, उनको पकड़ के कालर दो तमाचा मार दिए और उनको बोले कि चलो चलो तुम्हें जेल दिखाते हैं जेल कैसा होता है, इतना बोले। और जी कौन था वहाँ पर? सर वो मुर्तिहा थाने से आए थे, मेरे हस्बैंड थे। सर दरोगा थे, जैकेट पहने थे, नाम नहीं मालूम हुआ। अच्छा फिर? तो सर मेरे हस्बैंड थोड़ा जिसे हार्ट पेशेंट हैं, तो वो अकड़ गए, बोले कि मैंने क्या गलत किया है कि जो मुझे मार रहे हो, कालर पकड़ रहे हो, मेरी क्या गलती है। तो उन्होंने ये बोले कि सर ये मेरा जमीन है, मैं सर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने रास्ते पे उनको नहीं, उनका जमीन है, वो अपने जमीन में आ जाए, जिस दिन कोर्ट से फैसला आ जाएगी नापी हो जाएगा तब वो ले लेंगे अपना। जी सर ये जो जमीन है, तो जमीन का जिसे दादा जी का है, तो कोर्ट से मतलब चल रहा है इसका लफड़ा है बंटवारे का। जी बंटवारा भी नहीं हुआ है, बंटवारे का कोर्ट से जो मेरा द्वार है, तो मतलब आते जाते थे, तो उनका आगे जमीन बहुत ज्यादा काफी है, वो अपने जमीन के रास्ता तोड़ दिए हैं और मेरे घर से उसे आने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या नाम बताया आपने अपना? सर मैं मीरा बोल रही हूँ, भीवरा से, मधुपुर क्षेत्र। नाम क्या आपका? जी मीरा। मीरा जी। तो सर ये आप एक बार लाइन पर रहिए। हेलो जी। अभी ये एक कोई महिला है मीरा, इसकी जमीनी विवाद है, दीवानी के लिए चल रहा है मुकदमा, बता रहे महिला ये। तो इसके बाद बताया पुलिस विपक्षी को दिया होगा, कोई विवाद चला पुलिस गई, बताया पुलिस बच्ची की इनके पति का काम भारी नहीं है, इनके पति हार्ट पेशेंट भी है जी। कभी कभी जी इनका जी बहुत वो हो जाते हैं जी, अभी अभी अपनी खुद को निकाल के और खुद खुशी करने जा रहे थे जब हम लोग जी। आप परेशान ना होइए, मैं उसके कारण खुशी कर रहा हूं। सर जी इतनी ही बात नहीं है, जब इन्होंने वहाँ पे चुपचाप पकड़ गए, जब मेरे बच्चे रोने लगे तो ये बोले कि मैं, तो उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाल कर और सीधे तान दिया, बोले कि देखो तुम्हारे लिए मैंने जहर भी लाया है, तुरंत उन्होंने ऐसा किया, ऐसा उन्होंने बर्ताव किया है हम लोग के साथ। बहुत गालियां भी मेरे हस्बैंड को बहुत दिया, उसके बाद यहाँ से उनके उनके घर गए और चाय पी कर सब यहाँ से निकले हैं वहाँ से।
सर जी 4 साल से ये चल रहा है, लेकिन आज तक कभी भी जो भी आए हैं समझ के वो लोग हम लोग को गलत ना देख कर चले गए हैं, लेकिन आज ऐसा इन्होंने ऐसा किया है हम लोग के साथ हमारे घर में। अच्छा, ठीक है, परेशान हो, मैं उसको कराई करवाता हूँ, ठीक है, जांच कर लेते हैं, जांच भी कराई करवाते हैं। जी सर, अभी भी निर्माण हो रहा है उसपे? जी अभी भी निर्माण हो रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे जिसे मेरे हस्बैंड थोड़ा परेशान ज्यादा हो जाते, घबरा जाते, हम लोग कमाने खिलाने वाला कौन है, वही तो है। ठीक है, परेशान नहीं, मैं बात करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। मामला ये है कि कल हमारे यहाँ दरोगा जी आए, जैसे जमीन का लफड़ा चल रहा है तो दरोगा जी आए हमारे दरवाजे पे, उन्होंने बुलाया, हम गए तो बोले कि इनका रास्ता क्यों रोक रहे हो, तो हमने बोला कि सर किसका रास्ता रोके हैं, तो बताने लगे कि इनका रास्ता रोके हो, हम लोगों ने कहा कि नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है कि ये जमीन का जो लफड़ा चल रहा है इसीलिए ये कोर्ट में इसका चल रहा है, तो बोले कि कागज है, तो हम लोगों ने कहा जी, तो बोले दिखाइए, तो हम लोग लेकर गए दिखाने के लिए, तो एक हाथ में कागज लिए और बोले कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कानून पढ़ रहे हो, ज़्यादा पढ़ाई किए हो कि इनका रास्ता रोके, ऊपर से इतना बोल रहे हो, बहस कर रहे हो, तो ये बोले कि सर ऐसी बात नहीं है, क्या हम लोग आप देख ही रहे हैं कि इनका जमीन आगे पड़ा हुआ है, रास्ता भी है इनका, और फिर भी ये ऊपर से बोले कि इनको कालर पकड़े और कहे चलो थाने चलो, तुम्हें जेल दिखा रहे हैं कैसा जेल होता है, तो जब ये कहें चलिए चल रहे हैं सर, तो इनको ढकेल कर ले जाने लगे, बस ये गुस्सा हो गए, इनको हार्ट की मतलब थोड़े इनकी परेशानी है, तो ये अकड़ गए, बोले कि सर जब मैं जा ही रहा हूँ तो मुझे ढकेल कर क्यों ले जा रहे हैं आप, कि हमें ऐसा मत करिए, ये बोले कि हमसे कि वीडियो बनाइए जरा, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये जो दरोगा थे वहीं पे खड़े हुए, बोले कि ये बोले कि सर हम अपने रास्ते से इनको नहीं आने दूंगा, अपने दरवाजे होके, जब ये इनका ज़मीन है अपना, ये अपना आ ही जा रहे हैं तो मेरे दरवाजे से होकर आ रहे हैं, मैं यहीं पर सर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, तो बोले कि अरे तू क्या मरेगा, तेरे ये तो मैं जहर भी लाया गया, वो तुरंत पिस्तौल निकाले उनके सामने तैनात कर दिए, और तब मेरे बच्चे छोटे छोटे रोने लगे, बोले तब वो मैंने इनको पीछे हटाने लगे, तो जब दरोगा वहाँ से इनका मुंह भी बंद करने लगा, मोबाइल भी छीनने लगा, बोला तू ही एक मोबाइल देखा है क्या, और तब जब हम लोग सारे घर के लोग जब लगे तो पीछे हटने लगे, पीछे हटने लगे और फिर रास्ते पे चले गए, तब हम लोग यहाँ से जब आगे निकल गए तब इनको हमने समझाया, घर पे आए तब हम लोग वीडियो जो बनाया तो वो देख के बहुत बोलने लगे कि मैं बाद में देख लूंगा तुमको, इतना करके वो चले गए यहाँ से। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।